छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बालोद के जेवर ताला में दिए गए एक लोटा जल वाले बयान पर दुर्ग में बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव समेत भाजपा नेताओं ने बड़ा पलटवार किया है। विधायक गजेंद्र यादव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडरों द्वारा सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर अक्सर विवादित बयान दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला बालोद के जेवरतला गांव में विवादित भाषण देते हुए सनातन पद्धति के अनुरूप जल चढ़ाने की परंपरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने बीजेपी को लेकर बोला कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ काम मत करो, सब ठीक होगा, यह अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रही है। वहीं इस टिप्पणी के बाद से ही क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यावत ने कहा कि भूपेश बघेल के इस बयान से सनातनी आहत हुए हैं, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसी बीच जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाना कांग्रेस नेताओं का चलन सा बन गया है और जनता अपने हिसाब से जवाब भी दे चुकी है। अब लेका मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी बितवा दे, पास हो दे, खेत में मेहनत नहीं करो और जल ना डाला करो, खेत में ना बीजा डालो ना रोपा लगाओ, ना थरा दो ना रोपा भी ऐसे करो, निंदाई कोड़ाई नहीं करो, खाद में डालो जल भर डाला था। मेरे को लगता है एक लोटा जल जो हमारे शिव भक्त लोग जो बोलते हैं उसके विरुद्ध में बोले होंगे तो वो उसका मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस जो है आज़ादी के बाद एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना और बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज के विरुद्ध बोलना अच्छी बात नहीं है। एक लोटा जल ठीक है, सारे लोग मान रहे हैं, उनको भी मानना है तो मानना चाहिए, नहीं माने तो आप किसी के पूजा पद्धति पे टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि भूपेश बघेल जी विरोध करने के लायक नेता रहने गए हैं, जो व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर के बातचीत करे उनको सोचना चाहिए। 70-71 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी आज किसी में गए, 5 साल नेतृत्व किए और इसको अपने पार्टी को उन्होंने रसातल में ले गया, जैसे देश में गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को रसातल में लेके गए हैं वैसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी रसातल में ले गए हैं। और मैं सोचता हूँ कि उसके विरुद्ध हमको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। जनता जनार्दन ने अभी उनको सबक सिखाया, विधानसभा में सबक सिखाया, उसके बाद लोकसभा में सिखाया और आगे उसका राजनीति का पतन तय। उसमें क्या कहना है, जिसके पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी हमेशा गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव उमानपुर मोहल्ला में जाकर गणेश जी के मूर्ति के खिलाफ वो एक आंदोलन करवाते थे, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी करते थे, भगवान राम को उनके खिलाफ क्या नहीं बोले। तो जिनके पिता हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, तो उनके पुत्र से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी अपने पूज्य पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो उनसे और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, वो अपने पिता के ही मार्ग पर चल रहे हैं।